आज का टॉपिक वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, अच्छा कितनों लोगों को ये पता है मतलब कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी या मोबाइल नंबर जो है वो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है या करता है, या कोई आइडिया है? कितने लोगों को आइडिया है? एनीथिंग, अनम्यूट करके बोलिए। करता तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, ये तो है मालूम, करता तो है। और अब आप एनीवन, बता देंगे तो कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। एनीवन ऑल, कोई और सर कि ये किस? अभी पता चला है कि करता है इफेक्ट, जब हमने नया नया मोबाइल न्यूमरोलॉजी सुना। अदरवाइज देखा जाए तो लाइक आई एम होल्डिंग अ नंबर सिंस 15 ईयर्स, मुझे नहीं पता 15 साल में मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है। ध्यान नहीं दिया जी तो पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा होता भी है। पहले होता भी है। राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे मालूम ही नहीं था सर। उसके पहले तक देखो ना, लाइफ ना, आप ये नोटिस करोगे जब से मोबाइल आया सबके लाइफ में, उसके पहले की लाइफ और मोबाइल नंबर आने की लाइफ में आप देखोगे एकदम से क्या हुआ ना, लाइफ में ऐसा लग गया कि टॉप गियर लगा दिया किसी ने। पहले हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी कैसा धीरे धीरे स्पीड लेता है, तो जैसे ही जिस दिन से आप नोटिस करोगे, जिस दिन से मोबाइल आया है आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बिजीनेस हो गया। मतलब स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मार्टफोन के पहले की बात कर रहा हूँ। लोग हमें पहले फोन पे ना ये देखिए लगे होते थे, हाँ कुछ ना कुछ लगे ही होते थे, गप्पे मार रहे, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ कह जा रहा है, कुछ ना कुछ बिजी हो जाते। मतलब मोबाइल आकर हमारे लाइफ में एक गति आ गई है, स्पीडनेस बढ़ गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि जाने अनजाने हमने ये नहीं सोचा कि मोबाइल नंबर जो उसके अंदर जो 10 डिजिट होते हैं, ये 10 डिजिट हमें किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं, किस तरह से हमारे किस्मत को खोल सकते हैं, किस तरह से हमारी लाइफ को ग्रोथ भी दे सकते हैं, और किस तरह से हमारी लाइफ को पूरी तरह से डुबा भी सकते हैं, ये किसी ने डिसाइड नहीं किया हो या देखा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं। क्या होता है ना, जैसे हम इस अकल्ट नॉलेज में अक्सर ये बातें करते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर एक इंसान की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है ना। मेरी फ्रीक्वेंसी आप लोगों से मैच नहीं करेगी, या हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच भी हो जाए। तो जब तक आप सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं होते तब तक कनेक्शन नहीं बैठता। ठीक है, किसी के साथ आप जुड़ नहीं पाते। तो उसी तरह से मोबाइल फोन में भी क्या होता है, मोबाइल फोन से पहले फोन में हम डायल करते हैं तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी से पहले जाता है बिम के पास जो टावर होता है, बिम इसको फिर हाई फ्रीक्वेंसी में छोड़ता है, फिर वो दोबारा किसी दूसरे टावर से रिसीव होकर फिर लो फ्रीक्वेंसी में आकर आपके कि जिसको आपने कॉल किया उसके फोन में जाके वो रिसीव होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन जो हो रहा है ना, क्योंकि पर्टिकुलरली क्या हुआ है, जब आपने किसी को डायल किया ठीक है, तो पर्टिकुलर वो फ्रीक्वेंसी ही बड़ा हुआ, मतलब छोटे से बड़े टावर में गया, बड़े टावर में और बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जिसका रेंज इतना बड़ा है कि समझ लीजिए कि वो आप कई बार ये नोटिस करेंगे किसी को आप याद कर रहे होते हैं और फोन आ जाता है, कॉल आ जाता है। क्यों आता है पता है? क्योंकि ऑलरेडी जब उस फोन में मोबाइल में उसने नंबर डायल किया है, उसने अपने ब्रेन से ब्रेन वेव तो डाला है, साथ में आपके मोबाइल नंबर का जो सॉरी मोबाइल से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ है और वो फिर नेक्स्ट जो टावर तक पहुंचा है, उस फ्रीक्वेंसी की वजह से भी वो आपको याद आ रहा होता है, जिस वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट्स भी आते हैं कई बार। अब देखो क्या क्या होता है, जैसे आप लोगों को सबको पता है न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कितने लोगों को है यहाँ, मतलब कौन सा नंबर कौन से ग्रह का है ये पता है ना आप लोगों को, थोड़ा तो आइडिया है? बताइए प्रमोद जी, थोड़ा बहुत आइडिया जी है ना? सर है थोड़ा बहुत आइडिया। हाँ, 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है वो कौन कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं? 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर गुरु का है, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, बहुत बढ़िया, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल। हाँ मंगल, गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए कौन किसका एंटी है, कौन किसके साथ दोस्ती रखता है, ये इसका कॉम्बिनेशन पता है आप लोगों को? बताए पता है ना?
एक नंबर 8 नंबर का आईडी वेरी गुड, है, और दो नंबर मतलब भी, हाँ दो हाँ नंबर भी 8 नंबर का आईडी वेरी गुड, मतलब है। बाला साहब आपने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग वही करके आए हैं, मुझे पता है ये बात, क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो गया ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और एसेंशियल भी है, मैं आपको बता ये रहा हूँ नंबर नहीं एसेंशियल मिल रहे भी है। लेकिन नंबर नहीं मिलेगा नंबर सर, आपके उसके लिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लिस्ट का नहीं उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, नंबर मिलेगा नाम नहीं, आपके आराम से नाम नहीं पे मिलेगा। हाँ लेकिन नंबर ही नहीं मिल रहे। हाँ जगमोहन जी गुरु जी बोलिए। नमस्कार, हाँ नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी मेरी ये आपके साथ में फर्स्ट क्लास है, हाँ एक्चुअली जी हाँ आज ही मैं आपके साथ में ज्वाइन हुआ। जी हाँ जी बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूँ, वेरी गुड। और मैंने काफी सुना भी था, और मैं इसी वजह से मेरे मन में छो कि मैं आपके साथ में जरूर जुड़ू। जी, मुझे जैसे किसी क्लास में एक नया बालक आता है, तो मैं तो इस तरह से हूँ आपकी क्लास में आज। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब न्यूमरोलॉजी का आपका थोड़ा सा भी कुछ भी नॉलेज नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं नहीं जीरो से है ही, ऐसा समझ लो मैं जी जीरो से ही जी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जी ऑलरेडी देखो, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं ना आज जुड़े हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो अकल्ट से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, चाहे कोई टैरो कर रहा होगा, कोई हीलिंग में होगा, कोई रेकी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कोई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जहां पर हम अपने लाइफ में होने वाली घटनाओं में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, थ्रू ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नंबर्स को सही फ्रिक्वेंसी में देखकर सजाकर, या समझ लो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बैठाकर चीजों को एक्यूरेसी में ला सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे किसी के फोन नंबर में आपको ना 16 या 61 दिख जाए, ठीक है, अगर ये शुरू से है, मतलब जब से उस व्यक्ति ने नंबर लिया है, उसके लाइफ में देखना कोई भी रिलेशनशिप, चाहे अपने घर का हो, चाहे बाहर दोस्ती आ रही हो, चाहे अपना बिजनेस का हो, कोलीग के साथ हो, उसका हमेशा लोचा रहेगा, किसी के साथ उसकी पटरी नहीं जमेगी। उसका सबसे शुरू रीज मतलब बेसिक रीजन ये होता है कि 6116 जो है ना, ये रिलेशनशिप को खराब करता है, एनी रिलेशनशिप। अक्सर दिखेंगे ऐसे लोग जो है दूसरे को क्रिटिक कर देते हैं, पहले दोस्ती होती है, बातचीत करते हैं, फिर जरूरत से ज्यादा क्रिटिक्स करने लग जाते हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में एंटी हो जाती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा होना, मतलब मारपीट होना, ऐसा ये नंबर अक्सर ना मन मुटाव से शुरू करके फिर जो है रिलेशन को खराब कर देता है, कई बार हो भी जाता है, गर्मा गर्मी हो भी जाती है, मतलब तर्क वितर्क में बहुत ज्यादा लोग चले जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 4 एंड 5 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 4 का क्या है राहु और 5 है बुध, वैसे तो ये दिमाग को बहुत तेज बना देगा, इंसान बहुत शार्प सोचता है, मतलब हर दूसरे, मतलब अगर कोई चाल चल रहा है तो उसके 2 चाल पहले सोच लेगा वो, बट ये कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि इंसान कई बार गलत रिस्क ले लेता है, कई बार एक्सीडेंट्स भी दिला देता है, कई बार मिसलीड हो जाता है, ठीक है। हाँ बंधन योग भी, जी बंधन योग भी कहलाते हैं ना उसको। हाँ, बंधन योग भी कहलाता है। देखो राहु बुध का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ब्रेन शार्प बना देता है, बहुत शार्प सोचता है वो आदमी, लेकिन कई बार ना ये जो कॉम्बिनेशन, मतलब अक्सर मैंने देखा है कोई ना कोई एक्सीडेंट्स, या कोई ना कोई जो कहते हैं इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डिसीजन ले लेना जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाना, ये सारी चीजें दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है हम इस कोर्स में ये समझेंगे कि कौन से नंबर्स की फ्रीक्वेंसी कौन से लोगों के साथ मैच हो रही है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसका सबसे बेसिक चीज ये है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसमें जो मूलांक और भाग्यांक है, मूलांक और भाग्यांक ऑलमोस्ट सबको पता होगा, डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर मूलांक और डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो भाग्यांक, ठीक है। अब एक सुंदर सा मैं आप लोगों को टिप दे देता हूँ, ये सुन मतलब जान के रख लो कि अगर कोई भी शेयर मार्केट पे पैसे लगाता, ठीक है, लिख लो ये वाला, बल्कि लिख लिख लो कि अगर आप लोग अगर शेयर मार्केट पे पैसे लगाते हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने का दिन हो, या जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, या बॉन्ड्स में, या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने अपने भाग्यांक, जो भी भाग्यांक आपका आता है, उस भाग्यांक के टोटल के हिसाब से उस टाइमिंग को चेक करके अगर आप सौदा लगाते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा,